और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तस्वीरें। उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है तो माहौल शानदार हो गया है। इसके कारण लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। एक तरफ पर्यटन को फायदा है तो वहीं दूसरी तरफ खेती किसानी को भी लाभ होने वाला है। रिपोर्ट आप देखिए। बर्फ से ढकी ये वादियां उत्तराखंड में मौसम के बदले मिजाज की शानदार तस्वीर पेश कर रही हैं। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली तो ऊंचे पहाड़ों का हर इलाका हिमपात से गुलजार हो गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली और आसपास के क्षेत्रों की हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में रविवार को बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया था। शनिवार देर रात से ही इलाके में मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे थे। रविवार को इन पहाड़ों में ऊंचाई वाली जगह पर बर्फबारी हुई तो निचले इलाके जोरदार बारिश से तरबतर हो गए। बारिश और हिमपात के कारण पूरे इलाके में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, लेकिन साथ ही साथ चांदी की तरह चमकती बर्फ की मोटी चादर बिछने से इन जगहों की खूबसूरती भी बढ़ गई है। खासतौर पर इसकी रिजॉर्ट पहुंचे सैलानियों के लिए कुदरत की ये शानदार सौगात है। पहाड़ों में भले ही जनवरी का महीना बिना बर्फ के बीता, लेकिन फरवरी की शुरुआत में पहले ही सप्ताह में दो बार बर्फबारी से इन इलाकों में नजारा अद्भुत हो गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी का बेहद दिलकश नजारा देखने को मिल रहा है। देवरिया ताल में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। इसके चलते देवरिया ताल चारों ओर से बर्फ से घिर गया है। बर्फबारी के बाद देवरिया ताल का नजारा देखते ही बन रहा है। रुद्रप्रयाग के नजदीक केदारनाथ धाम में अब 3 फीट से अधिक बर्फ जम गई है, जबकि इन क्षेत्रों के पैदल रास्ते भी बर्फ से ढक गए हैं। मशहूर पर्यटक स्थल चोपता डुगलबिट्टा में भी खूब बर्फ गिरी है। मौसम विभाग ने भी इन इलाकों में सोमवार तक बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है। रुद्रप्रयाग के नजदीक निचले क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है। मौसम में आए बदलाव के कारण इन इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन सैलानियों के लिए ये मौका खास है, लिहाजा इन क्षेत्रों में इन दोनों पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। ये तस्वीर भारत तिब्बत सीमा से सटे टिहरी गढ़वाल के गांव गंगी की है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बर्फ की सफेद चादर ने किस तरह से पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। आसपास के और भी गांवों में हिमपात से ऐसे ही हालात हैं। घरों की छत पर जमी हुई बर्फ अनोखा दृश्य पेश कर रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर में सीजन की दूसरी बर्फबारी से चारों ओर माहौल सफेद हो चुका है। बागेश्वर में कपकोट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कें बर्फ से पट गई हैं, जिन्हें आवाजाही सुचारू रूप से चलाने के लिए जेसीबी की मदद से साफ किया जा रहा है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़ रही है तो उधम सिंह नगर जैसे निचले इलाके बारिश से तरबतर हो गए हैं। इस बारिश के साथ ठंड बढ़ी है तो कोहरे से छुटकारा भी मिला है। वहीं किसानों के लिए ये बारिश वरदान भी साबित हो सकती है। किसानों का मानना है कि सीजन की इस बारिश से गेहूं और मटर समेत कई तरह की फसल को लाभ मिलेगा। बरसात तो बहुत दिनों से हम मांग रहे थे, बरसात होनी चाहिए। ऊंचे खेत में पानी लग गया, वैसे भी बहुत लाभ है इसका। सर्दी में बरसात होनी जरूरी है। क्या क्या फायदा हो रहा है इस बरसात से? ये गेहूं को फायदा है, चना है, मटर है, सब सब्जियों को फायदा है। ये बरसात किसानों के लिए ओवरऑल फायदे की है, लेकिन ये लेट हुई है बरसात थोड़ी, थोड़ा और पहले होनी चाहिए थी। और यहाँ लाई की फसल को जरूर थोड़ा नुकसान है, लेकिन गेहूं की फसल को ये फायदा करने वाली बरसात है। देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से कि एक माह से लगातार कोहरा हो रहा था, और ये कोहरे से नुकसान ही नुकसान है, चाहे वो दलहन वाली फसल हो, चाहे तिलहन वाली फसल हो, और चाहे आपके सब्जियां हो, तो इससे लगातार नुकसान हो रहा था। और ये बरसात होने से एक तो एक कोहरा हटेगा,
और दूसरे जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल को इससे फायदा होगा। मौसम में बदलाव का असर अल्मोड़ा जिले में भी दिख रहा है। यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है जिससे तापमान में गिरावट है। अल्मोड़ा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल, बागेश्वर से जगदीश पांडे, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, उधम सिंह नगर से रमेश चंद्र और अल्मोड़ा से संजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।